तो हेलो अरुण, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है विनय यादव, आपसे का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द स्ट्रेंजर विनय पे। तो गैस, आज जो है हम एक स्पेशल बाइक का रिव्यू करने के लिए आए हैं। मैंने इसका जो रिव्यू है वो 2 साल पहले किया था, 2018 में। तो तब उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाया था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट बाइक का रिव्यू था, तो उसके कारण ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था। लेकिन आज मैं फिर से आप सभी के लिए होंडा लिवो का एकदम फुल डिटेल राइड रिव्यू और वॉक अराउंड रिव्यू दोनों लाया हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और गाइस वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हर इंटरेस्टिंग आने वाले व्लॉग और रिव्यू के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। और गाइस, अगर मैं इस गाड़ी की खासियतों की बात करूँ तो ये जो गाड़ी है 110cc की है, लेकिन कोई भी एंगल से ये जो बाइक है वो कोई भी एंगल से 110cc की नहीं लगती, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टाइलिश लुक इस गाड़ी का कर दिया गया है कि ऐसा लगता है 125 या फिर 150cc की बाइक है। और ये गाड़ी में जो है 110cc का इंजन होने के बावजूद 75+80+ माइलेज देती है, और कंपनी खुद क्लेम भी करती है। और मेरा भी इसके साथ जो एक्सपीरियंस है वैसा ही कुछ है, क्योंकि मेरे पास भी एक लिवो है जिससे मेरे को अच्छा खासा माइलेज मिलता है, 80+ तो मेरे को माइलेज मिल ही जाता है हाईवे के ऊपर। तो इस गाड़ी के अभी हम फुल रिव्यू करने वाले, तो अभी वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अभी करते हैं हम इस गाड़ी के रिव्यू को स्टार्ट। अभी आप देखिए कुछ इस गाड़ी के सिनेमैटिक शॉट। सबसे पहले अभी हम आते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ। तो इस गाड़ी में जो है आपको दो मॉडल मिलते हैं, एक सिंगल डिस्क ब्रेक वाला और एक विदाउट डिस्क ब्रेक वाला। तो मेरे पास जो अभी अवेलेबल है ये जो है सिंगल, मतलब कि विदाउट डिस्क ब्रेक वाला यहाँ पे मेरे पास मॉडल अवेलेबल है। फ्रंट लुक की तरफ अगर हम आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश फ्रंट लुक आपको और बल्कि सब फ्रंट लुक आपको देखने को मिलता है। हेडलैम्प की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वाला डीसी वाला आपको हेडलैम्प मिलता है, हैलोजन हेडलैम्प मिलता है। अगर आप इग्निशन ऑन करते हो तो हेडलैम्प ऑन हो जाता है, गाड़ी चालू करने की ज़रूरत नहीं है। और आजू बाजू में जो है आपको जो फ्लेक्सिबल वाले इंडिकेटर वो देखने को मिलते हैं, नॉर्मल बल्ब वाले। और गाइस वहीं पे अगर हम टायर सेक्शन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अलॉय व्हील देखने को मिलता है, और अलॉय व्हील जो है अलॉय व्हील के साथ में आपको जो है ट्यूबलेस वाले मैक्सिस के टायर आपको देखने को मिलते हैं, जिनका साइज़ है 80x100 18 इंचेस के आपको यहाँ पे टायर देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम सस्पेंशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। और गाइस अभी हम आते हैं साइड व्यू की तरफ, तो साइड व्यू आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको जो है श्राउड्स मिलता है आजू बाजू में, जिसके कारण गाड़ी का लुक जो है बहुत ज़्यादा बल्कि आता है। यहाँ पे आपको होंडा की क्रोम फिनिशिंग में बैजिंग मिलती है, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफिक आपको देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर हम इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जो गाड़ी है 110cc की है, लेकिन इस गाड़ी का जो डिस्प्लेसमेंट है 109.51cc का आपको इस गाड़ी में डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और ये जो इंजन है एयर कूल्ड है, 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन आपको इस गाड़ी में मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 8.79 PS की पावर 7500 RPM पे। और इस गाड़ी का जो मैक्सिमम टॉर्क है गाइस वो है 8.90 Nm का आपको इस गाड़ी में मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, जिसके कारण आपका जो इनिशियल पंच है। और इस गाड़ी का पिकअप जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट और बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव है। ये मतलब कि होंडा की जितनी भी आप गाड़ी देखोगे 110cc होगी या फिर 125cc होगी, उनमें जो आपको टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलता है और इनिशियल पंच जो है उन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है लिवो की बैजिंग मिलती है, ESP की इनहांस स्मार्ट पावर की बैजिंग यहाँ पे मिलती है आपको, यहाँ पे जो है कुछ ग्राफिक्स वर्क देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर हम इस गाड़ी के पीछे के सस्पेंशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल ड्यूअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, जिसके कारण आपकी जो राइड है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और वहीं पे अगर हम इस गाड़ी के पीछे के टायर सेक्शन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है मैक्सिस के टायर देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस वाले टायर देखने को मिलते हैं। और इस गाड़ी के टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 80x100 18 इंचेस का आपको यहाँ पे टायर ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। और अगर हम इस गाड़ी के पीछे के सेक्शन की बात करें, टेल सेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो है होंडा की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे आपको स्टाइलिश वाला ग्रैब व्हील देखने को मिलता है, और फेंडर भी आप देख पा रहे हो तो स्टाइलिश वाला आपको यहाँ पे फेंडर देखने को मिलने वाला है। और गाइस अभी मैं आपको जो है इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और मतलब इंजन रिफाइनमेंट भी इस गाड़ी में बहुत बढ़िया मिलता है, तो जिसके कारण आपकी जो राइड है वो भी बहुत स्मूथ होने वाली है। तो अभी मैं आपको इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ गाइस।
तो गाइज़ आपने इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुन लिया, मतलब कि एकदम स्मूथ एग्जॉस्ट नोट आपको इस गाड़ी में मिलता है। और गाइज़ मैं ब्रेकिंग के बारे में बताना भूल गया, तो पीछे में आपको जो है यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। और फ्रंट साइड में अगर हम फ्रंट साइड के ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको जो है कॉम्बी ब्रेक देखने को मिलता है, मतलब आप अगर फ्रंट ब्रेक दबाते हो तो पीछे का भी ब्रेक एक साथ में लगेगा, तो कॉम्बी ब्रेक के कारण आपकी जो राइडिंग सेफ्टी है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। और वहीं पर अगर हम इधर साइड के बात करें, थोड़े से सीट वगैरह की बात करें, तो सीट की कुशनिंग भी बहुत बढ़िया है, मतलब ये कम्यूटर बाइक है, कम्यूटर बाइक के हिसाब से बहुत ही बढ़िया, मतलब आप सिटी में राइड करते हो, सिटी और हाईवे पे भी हल्का फुल्का राइड करते हो, तो जिसके कारण आपकी जो राइड है बहुत ही बढ़िया होती है, कंफर्टेबल राइड आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे आपको जो है सारी गार्ड मिलता है और लेग गार्ड भी मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी कम्यूटर है तो घर की लेडीज़ वगैरह को ले जाने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। वहीं पर अगर हम इस गाड़ी के गियर रेशियो की बात करें, तो यहाँ पर आपको 4-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिलता है, जिसके कारण ये 110cc की गाड़ी है तो 4-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स जो है वो सफिशियंट है इस बाइक के लिए। और गाइस अगर मैं इस गाड़ी के कर्व वेट की बात करूँ, तो 114 kg की ये गाड़ी है, तो मतलब लाइट वेट गाड़ी है, कम्यूटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ये गाड़ी है। और वहीं पे अगर मैं इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, तो 163mm का आपको इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो ये जो गाड़ी है मतलब आप गड्ढों वाले रास्ते पर भी आराम से चल जाएगी, क्योंकि इस गाड़ी में जो है ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। और वहीं पर अगर मैं इस गाड़ी के टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ, तो टैंक की कैपेसिटी जो है 9 लीटर की है यहाँ पर आपको मिलने वाली है, तो मतलब अच्छी खासी टैंक की कैपेसिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी हम आते हैं इस गाड़ी के मीटर कंसोल की तरफ, लेकिन अब उसके पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखा देता हूँ। तो जो पहले भी आती थी होंडा की वैसी आपको की मिलने वाली है। और मीटर कंसोल आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है, तो इधर साइड में ये जो है कार जैसी फीलिंग देता है, इधर साइड में आपको जैसे कार में इधर साइड में आपको जो है टैकोमीटर मिलता है, इधर साइड में स्पीडोमीटर मिलता है, और बीच में जो है डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसमें जो है आपको इधर साइड में स्पीडोमीटर मिलता है और टैकोमीटर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने नहीं वाला है। तो जैसे हम मीटर कंसोल ऑन करते तो ये बहुत ही बढ़िया प्रीमियम सी फील आती है, क्योंकि पूरा का पूरा स्पीड ये जो है अपना काटा जो है पूरा का पूरा घूम जाता है और फिर से जीरो पे आके रुक जाता है, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रीमियम लगता है। और अभी हम आते हैं थोड़े से इस गाड़ी के मीटर कंसोल के इन्फॉर्मेशन की तरफ, तो आपको ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे ऑडियो मीटर आपको देखने को मिलता है, आप देख पा रहे हो ऑडियो देखने को मिलता है, ट्रिप आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और यहाँ पे जो है आपको टाइम शो करता है, और इधर साइड में आपको जो है फ्यूल इंडिकेट करता है कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है। और ऊपर में आप टेलटेल लाइट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इंजन चेकअप लाइट, न्यूट्रल और अपर डिपर का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम इस गाड़ी के हैंडल बार की बात करें, तो हैंडल बार की पोजीशन भी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाली है। इधर साइड की अगर मैं स्विच गियर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको जो है पासिंग का स्विच मिलता है, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर के स्विच मिलते हैं, और कंपनी बजर लगा के देती है, कंपनी नहीं शोरूम जो है बजर लगा के देता है, आपके ऑप्शन आपके ऊपर है, आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। यहाँ पे आपको हॉर्न मिलता है, और इधर साइड में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको साइलेंट स्टार्ट फीचर मिलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ साइलेंट स्टार्ट फीचर क्या है। तो साइलेंट स्टार्ट फीचर वो है मतलब कि आप ऐसे अगर इस गाड़ी को ऑन करते हो तो एकदम बिना कोई खर खर करे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और पता भी नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और किल स्विच भी आपको यहाँ पे मिलता है साथ साथ में, तो आप यहीं से अपने गाड़ी को ऑन और ऑफ़ कर सकते हो, आपको जो है की इग्निशन ऑन ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं। तो गाइस अभी जो है मैं बैठ चुका हूँ अपनी होंडा लीवो पे, अभी मैं करता हूँ इस गाड़ी को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कॉकपिट कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। 9 लीटर की टैंक है, 85 kmph का माइलेज देती है, और 8.79 PS का ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। और इस गाड़ी का जो टॉर्क है वो है वो भी बहुत बढ़िया टॉर्क आपको इस गाड़ी में मिलता है। तो अभी अपन करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट। इस गाड़ी में जो है आपको साइलेंट स्टार्ट फीचर मिलने वाला है, तो जिसके कारण आपकी जो राइड आपकी जो स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस है गाड़ी स्टार्ट करने का वो बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं आपको इस गाड़ी का साइलेंट स्टार्ट फीचर एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो एकदम आराम से स्मूथली ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी अपन डालते फर्स्ट गियर और चलते हैं राइड रिव्यू पे। तो इस गाड़ी में जो है आपको जो इनिशियल पंच है, और इस गाड़ी का जो अपना बोल सकते हैं पिकअप वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस गाड़ी में आपको बहुत बढ़िया पावर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पिकअप मिलता है। ऐसा मतलब 110cc की गाड़ी है, लेकिन इसकी मस्कुलरिटी देख के, इस गाड़ी की जो बल्किनेस है, ये जो गाड़ी बल्की है, जिस बल्की जो दिखती है ये गाड़ी, जिसके कारण ये गाड़ी का लुक जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। मतलब कि
तो गाइस ये जो श्राउड है इनके कारण जो है गाड़ी का लुक बहुत ज़्यादा बल्की सा आता है, और गाड़ी का मतलब ऐसा लगता है कि ये 110 सीसी की नहीं कोई 125 या फिर 150 सीसी की बाइक है, ऐसा लगता है। लेकिन जब आप इस गाड़ी को चलाते हो तो थोड़ी सी पावर में कमी दिखती है, लेकिन मतलब कि पावर की कमी 110 सीसी में सबसे पावरफुल गाड़ी मेरे को लगती है, लेकिन पावर की कमी मतलब 125 सीसी के हिसाब से देखें तो इस गाड़ी में पावर कम है। 110 सीसी का जो इंजन इस गाड़ी में दिया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि हम बाकी के कंपनियों की 110 सीसी देखते हैं तो उनमें जो है थोड़ा सा पावर कम लगता है, और इस गाड़ी को आप चलाओगे 110 सीसी ये वाली जो चलाओगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया पावर आपको मिलने वाला है गाइस। और अगर मैं इस गाड़ी के राइडिंग क्वालिटी और मतलब कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको आगे में टेलीस्कोपिक मिलता है और पीछे में जो है फाइव स्टेप एडजस्टेबल ड्यूअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, जिसके कारण गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ही बढ़िया। और इस गाड़ी की सीट की कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो सीट की कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसके कारण आपको जो है मतलब कहीं पे भी तकलीफ नहीं आने वाली। हाँ, अगर आप कंटिन्यूस में 150-200 किलोमीटर चला रहे हो तब आपको थोड़ी सी तकलीफ जा सकती है, लेकिन हालांकि अगर आप ऐसे सिटी में चला रहे हो या फिर नज़दीकी 10-15 किलोमीटर या फिर 50-60 किलोमीटर की राइड कर रहे हो तो आपको उसमें ज़्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है गाइस। तो और अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछोगे कि गाड़ी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो जी हाँ गाइस, आपको ये गाड़ी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी में जो है पावर बहुत बढ़िया मिलता है, इस गाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़िया है, इस गाड़ी के लुक्स बढ़िया है, और इस गाड़ी का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब 72,600 की जो इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है ड्रम ब्रेक वाले वेरियंट की, वो आपको बहुत ही बढ़िया पॉकेट फ्रेंडली मेरे को लगी है, तो उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको ये गाड़ी लेना चाहिए। और इस गाड़ी का जो राइडिंग पोस्चर है वो एकदम अपराइट है, तो जिसके कारण आपका जो है राइड बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो बस यही कुछ आप सभी के। तो गाइस, अभी तक आप वेट कर रहे होंगे कि मैं इस गाड़ी का प्राइस बताऊं और इस गाड़ी का माइलेज बताऊं, तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का माइलेज बताना चाहूं, तो ये जो गाड़ी है 80 से 85 का माइलेज दे देती है, और कंपनी भी क्लेम करती है और मिलता भी है गाइस इस गाड़ी में माइलेज। अगर आप हाईवे वगैरह पे चलाते हो तो 80-85 का माइलेज ये गाड़ी आराम से दे देती है। और अगर मैं इस गाड़ी के प्राइस की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको दो वेरियंट मिलते हैं, एक आता है डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट और एक आता है ड्रम ब्रेक वाला वेरियंट। जो डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट है उसका एक शोरूम प्राइस है 76,700 डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का प्राइस है, और ये जो मेरे पास ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट अवेलेबल है इसका जो प्राइस है वो है 72,595 इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट। तो जो गाड़ी है कंफर्टेबल, बजट फ्रेंडली भी है, और मतलब कि आपके जेब में अगर पैसे हो तो आप इसका जो है डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट भी ले सकते हो, लेकिन बजट फ्रेंडली बाइक आप इसको बोल सकते हो। तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे इस गाड़ी के बारे में शेयर करना था। और गाइज, अगर आप मेरे गोंदिया के व्यूअर्स हो या फिर गोंदिया के आसपास के व्यूअर्स हो तो कामधेनु होंडा में आ सकते हो, जो कि नागपुर रोड पर पड़ता है फुलचूर नाके के पास में। इनके पास सारी गाड़ी अवेलेबल है, ड्रीम 110 से लेके तो सीबी 200X तक सारी गाड़ी इनके पास अवेलेबल है। टेस्ट राइड भी इनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप आ सकते हो, देख सकते हो गाड़ियाँ, टेस्ट राइड ले सकते हो, और अपनी आपको जो भी गाड़ी पसंद है वो बुक करके ले जा सकते हो। तो बस ये कुछ इंफॉर्मेशन आपसे के साथ इस गाड़ी के बारे में शेयर करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, साइन ऑफ गाइस।